नमस्कार दोस्तों, जीएस पैक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं स्लाइडिंग कटर, जो कि आर्चर का बोर्ड बड़े आराम से और बड़ी स्पीड से काट देगा। दोस्तों ये तीन अलग अलग वेरिएशन में आता है। ये हम स्टैंडर्ड कटर सिंगल कटर भी देते हैं। अगर आपको किसी को 45 डिग्री टिल्ट चाहिए वो भी बन जाएगा। और इसके साथ हमने मेन कटर के साथ स्कोरिंग फ्लॉ लगाया है, जो कि सरमाइका वगैरह काटने के लिए, पार्टिकल बोर्ड काटने के लिए होता है। उससे क्या होता है कि इसके नीचे चिपिंग नहीं बिल्कुल भी आती इससे। ये मेन कटर के साथ स्कोरिंग सा है, लेकिन 45 डिग्री नहीं बन पाएगा। उसके लिए आपको जो मेन पैनल सा है वो भी लेना पड़ेगा। हमारी जो कंपनी है वो भी बनाती है। आगे वीडियो में दूसरी नीचे और चैनल की दूसरी वीडियो में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। बाकी वो भी वीडियो लेके आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो स्लाइडिंग कटर है, ये 8-4 का बोर्ड काट के बड़े आराम से कर देगा। और ये डिसमेंटल होकर 2-3 भाग में खुल जाता है। ये आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। ये अपनी जहाँ आपके काम चलता है साइड पे, वहाँ ले जाके इसको आप फिट करके वहाँ भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े पैनल की तरह के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे ये कैसे फिट होता है और कैसे वर्क करता है। इसका जो ऊपर वाला टेबल है वो फोल्डेबल रखा हुआ है। देखिए आप इसे, इसका कटर मेन कटर है जो, वो भी चेंज कर सकते हैं। जो स्कोरिंग फ्लॉ है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसको अप डाउन करने के लिए व्हील शाफ्ट दी हुई है, जिससे कटर अप डाउन हो जाएगा। और जो स्कोरिंग सा है उसको एडजस्ट करने के लिए ये दो हैंडल दिए हुए हैं। एक से स्कोरिंग सा अप डाउन जाता है और दूसरे से लेफ्ट राइट में जाता है, उस कटर के सीधा सेध में आने के लिए। दोस्तों ये वाला जो स्लाइडिंग कटर है, ये आप सिंगल फेस या थ्री फेस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवा सकते हैं। जो भी आपकी राइट की कंजप्शन है उसके हिसाब से बनवा सकते हैं। इसमें दो मोटर होती है, एक 2 HP की रहेगी और एक 1 HP की रहेगी, जो स्कोरिंग सा चलाएगी। तो दोस्तों आइए हम फिट बताते हैं कैसे ये फिट होता है। दोस्तों जैसे आपने देखा है, इसको बड़ी आसानी से फिट किया जा सकता है और स्लाइडिंग भी एकदम स्मूथ है इसकी। अभी हम इसको, जो अपने पास 8-4 का बोर्ड है, इसको काट कर दिखाएंगे। इसके ऊपर काटने के बाद भी एकदम सीधा स्मूथ रहेगा। दोस्तों ये बिना माइके के बोर्ड है, इसके लिए दूसरा कटर की जरूरत नहीं है। इसको हम नीचे कर देते हैं, जो मेन कटर है हम उसी से काम चलाएंगे। ये नीचे कर दिया और जो ठल है अपनी वो भी आगे कर दी इधर। ये ठल एडजस्टेबल है, जैसे हमने बड़ा बोर्ड काटना है तो इसको पीछे करके यहाँ से काट सकते हैं यहाँ तक। इसके चलने के बाद भी कोई वाइब्रेशन नहीं है इसकी। ये देखिए एकदम शार्प काटा है, बिल्कुल शार्प। दोस्तों इस मदद से आप, एक बंदा दिन में कम से कम 50 बोर्ड काट सकता है। और इसको अगर दूसरे आड़ी लोड काटना है तो ये ठल पीछे चली जाती है और घुमा के दूसरी साइड में कर जाता है, जैसा भी हम एक का गुनिया करके दिखाएंगे। ये देखिए अभी ये वाला हिस्सा एकदम राइट एंगल में हो गया है। वाला जो सरमाइका लगा बोर्ड है, आप पार्टिकल बोर्ड या सरमाइका लगा बोर्ड भी इस पे काट सकते हैं। उसे जो, उसके लिए आपको डबल कटर चलाना पड़ेगा और उसकी चिपिंग भी बिल्कुल नहीं आएगी। अभी हम दूसरा कटर पहले तो ऊपर करेंगे। ये देखिए दोस्तों दोनों तरफ इसकी बिल्कुल चिपिंग नहीं आई, ना इस तरफ आई है ना इस तरफ आई है, और कटिंग भी एकदम स्मूथ हुई है बिल्कुल। दोस्तों इसके लिए हमने एक और फेंस भी दी हुई है इसके साथ।
इसको आप 45 डिग्री एंगल पे बांध के कोई भी एंगल का काट सकते हैं। जैसे हम ये हार्ड वुड है, ये इस पे काट कर खाएंगे। इसके लिए हमें सिर्फ ये मेन कटर चलाना है। ये देखिए एकदम राइट एंगल में कट गया है दोस्तों। इसकी कटिंग भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो दोस्तों कुल मिला के कह सकते हैं कि ये वाला जो स्लाइडिंग कटर है, ये बड़े पैनल से आगे बराबर काम करता है। उसके जितना बढ़िया तो नहीं करता, लेकिन उसके बराबर काम करता है। तो दोस्तों जिन्हें काम स्टार्ट करना हो या कम बजट में कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है ये कटर। दोस्तों इस कटर को परचेज करने के लिए लुधियाना में हमारा यूनिट है। अगर आप हमारे पास विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे है हमारा ये यूनिट। आप आके देख के परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी मंगवा सकते हैं हमें नीचे दिए नंबरों पर कॉल करके। दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।